और अब बात आज की अच्छी खबर की, क्या गीतों के जरिए गणित का फॉर्मूला हल किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन गोरखपुर के एक टीचर ने इसे हकीकत कर दिखाया है। यकीन ना आए तो देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्कूल में गाते टीचर, स्कूल में गीत गाते बच्चे, यहाँ गणित यानी मैथ की पढ़ाई चल रही है। जिन मैथ के सम को समझने में दिमाग चकरा जाता है वो यहाँ गीतों के माध्यम से आसान बना दिया जाता है। गोरखपुर के चनऊ प्राइमरी स्कूल में टीचर आशुतोष कुमार गुप्ता ने अनोखा तरीका अपनाया है। वो बच्चों को गीतों के जरिए मैथ का फॉर्मूला समझा रहे हैं। जी सर, मेरा प्रयास है कि बच्चों का गणित में रुझान बहुत कम था, ठीक है, इस रुझान को रोचक बनाने के लिए मैंने इस सब चीजों पर एक कविता बनाया, ठीक है, और उस कविता के माध्यम से इस बच्चों को जब बताया गया तो बच्चों को देखा गया कि बेहतर ढंग से इसको कर पा रहे हैं और इनके अंदर लगन हो गई, क्षमता हो गई कि मतलब ये चीजों को रट भी ले रहे हैं और इस कविता के माध्यम से ये सारी चीज गतिविधियां करते हुए ये बच्चे बता दे रहे हैं कि रेखा क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, इन सारों में अंतर बता पा रहे हैं। गीतों की भाषा में मैथ के मुश्किल सम को समझना आसान हो गया है, तो वहीं गीतों की भाषा से मैथ को समझने की कला से अब बच्चों की मैथ में दिलचस्पी बढ़ गई है। सर पूरा समझ आता है। सर पहले जब सर कविता के रूप में बताया तो सब आने लगा, सर याद नहीं हो पाता था। अक्सर बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, लेकिन जब समझाने का तरीका कुछ ऐसा हो तो पढ़ने का मजा आना स्वाभाविक है। तभी तो अब गोरखपुर के दूसरे स्कूलों में भी गीतों वाली पढ़ाई शुरू हो चुकी है और यही कोशिश है कि यहाँ के जो बच्चे सीख ही रहे हैं, दूसरे जो स्कूल के लोग हैं वो भी यहाँ पे आशुतोष से आकर के सीखते हैं कि किस तरीके से कठिन चीजें गानों के जरिए बच्चों तक पहुँचाई जा रही है। और आज पूरे गोरखपुर में आशुतोष और उनकी जो टीम है एक नजीर बन चुकी है गीतों के जरिए बच्चों तक पढ़ाई पहुँचाने की और गीतों के जरिए कठिन से कठिन चीजों को आसान बनाने की।